हरे कृष्णा, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मथुरा वृंदावन धाम की यात्रा पर हैं। आज हमारा वृंदावन धाम पर दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने वृंदावन के सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन करवाए थे। आज के वीडियो में हम आपको वृंदावन के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं वो दिखाएंगे, साथ में वृंदावन में रहने की अलग अलग सुविधाओं के बारे में बताएंगे और वृंदावन में शाम के समय देखने वाले मुख्य मंदिरों के बारे में आपको बताएंगे। इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसे यहाँ पर कहते हैं फोगला आश्रम। यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। फोगला आश्रम की जो तीन बातें मेरे को अच्छी लगी, एक तो बांके बिहारी मंदिर से इसकी दूरी 1 किलोमीटर, दूसरा यहाँ पर भोजन की व्यवस्था। तो बाद में जब यहाँ पर दोपहर का भोजन हम आकर करेंगे तब आपको यहाँ पर बताएंगे कि कितना अच्छे से सात्विक भोजन यहाँ पर मिलता है। और तीसरा, यहाँ पर जो कमरे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं। फोगला आश्रम की बुकिंग प्रोसेस, कमरों का किराया हम आपको बाद में बताते हैं जब हम दोपहर का सात्विक भोजन आश्रम में आकर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम जाएंगे जमुना पार करके वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर वंशीवट स्थान पर। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे और उस पूरे क्षेत्र को भांडीर वन कहते हैं। तो अभी हम वंशीवट पहुँच चुके हैं। वृंदावन से हम यहाँ पर आए हैं तो लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र है। जमुना पार करके आपको आना पड़ता है। पहले एक गांव आता है, एक गांव आता है माट करके। उस गांव से आप अंदर की तरफ आएंगे तो वंशीवट आएगा। माट से जो वंशीवट की दूरी है 2 किलोमीटर है। अब माट गांव से किसी को भी पूछिए वो आपको यहां का रास्ता बता देते हैं। तो चलिए अब अंदर चलकर उस वट वृक्ष के भी दर्शन करते हैं और यहाँ की लीला के बारे में भी जानते हैं। जय श्री राधे। ये वंशीवट है और इस वट के भगवान श्री कृष्ण इसके ऊपर बैठ के बंसी बजाया करते थे। इसका नाम पड़ा वंशीवट। महाराज यही हुआ था जो 108 गोपी साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दर्शन देकर उनके संग में महाराज चाहे। पर यहाँ पे जो है साधु संत का डेरा है। यहाँ साधु महात्मा लोग यहाँ बहुत ज्यादा का तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। पर यहाँ शांति का, पर ये वृक्ष में जब आप इसमें जो परिक्रमा करेंगे 4 बार तो कुछ कुछ का है अंदर से आवाज़ आती है, वो भी धक-धक की आवाज आती है। बल्कि वैसे अगर आप 4 बार परिक्रमा करते हो आपको ढक-ढक की आवाज आएगी। हाँ। लेकिन अगर आप इसके नीचे साधना करते हो उसके बाद वो बांसुरी की मधुर आवाज आती है। ये असली वंशीवट यही है जो आपको भागवत में उल्लेख में यही है। यहाँ पे जो है 84 यात्रा जो होती है परिक्रमा, जो यहाँ लोग सब लोग आते हैं। इसके सामने आपका भांडी वन है जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। जी जी जी। 3-4 बार जब आप फोकस करते हो बहुत ज्यादा, तब भी मतलब बिल्कुल हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की हल्की सी, वो आपको डम 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 बस इतना सा। तो अभी हमने वंशीवट के दर्शन कर लिए हैं। महाराज जी ने हमें यहाँ का प्रसाद भी दे दिया। जो एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि यहाँ स्थान में एक अलग सी शांति है, एक अलग सा रस कह सकते हैं। ऐसा ही रस हमें और ऐसा ही आनंद हमें जब हमने वृंदावन में तटीय स्थान के दर्शन किए थे वहाँ पर भी आया। तो अभी हम वंशीवट के साथ में ये घने जंगल के बीच में से जा रहे हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि बहुत से संतों की कुटिया है। अलग ही यहाँ पर वातावरण है। यहाँ पर हमें मोर बहुत दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो आवाज़ है, चहचहाट है, वो भी सुनाई दे रही है। वंशीवट के बिल्कुल साथ में ही हम यहाँ पर एक पूरा एक वन क्षेत्र है जे, यहाँ पर आके हमें अच्छा भी लग रहा है और शांति भी, और एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है कि ये पूरा एक जंगल है लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी कुटियाँ बनाई हुई हैं यहाँ के साधु संतों द्वारा जंगल के बीच में। और कुटिया देखिए आप कितनी साफ है, सुंदर है, रम्य है। तो यहाँ पर महाराज जी कितनी कुटियाँ हैं यहाँ पर वंशीवट के आसपास? 32 कुटियाँ। तो आप इधर ही रहते हो, तो आपका खाना वगैरह कैसे होता है? भोजन खाना बना लेते हैं अपने आप। अच्छा, और सिर्फ इधर आप तप साधना करिए? भजन करना है बस। भजन करना है बस। क्या बात है, खाना मिलो या मत मिलो भजन मिल जाए। क्या बात है, खाना मिले या ना मिले भजन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आसपास जो जंगली जानवर नहीं आते कभी? आते हैं। अच्छा, तो उससे क्या रक्षा के लिए फिर? रक्षा का जीरा है अपने, तो तुम छेड़ा हुआ नहीं तो काटेगा नहीं। वो अपने रास्ता चले जाते हम अपने। अच्छा, लाइट का भी अंदर प्रबंध है? हाँ जी। और ठाकुर जी विराजमान है? हाँ जी। इस तरह से भी जीवन जिया जा सकता है, ठाकुर जी की सेवा है। हाँ जी। और अपना भजन है। हाँ जी। तो
तो बहुत ही अच्छा लगा मैं यहाँ पर आकर कि देखिए वंशीवट के हमने दर्शन किए, बगल में ही है, साथ में जो एक वन था पूरे का पूरा जंगल, और बीच में यहाँ पर आपको 32 कुटियाँ दिखाई देंगी। अब मेरे पीछे देख सकते हैं इस साइड में, अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखिए इस साइड पूरे का पूरा वन है, जंगली क्षेत्र है, पूरा जंगली क्षेत्र है ये। लेकिन यहाँ पर एक कुटिया हमें वो दिखाई दे रही है, अगर आपको दिख रही हो कैमरे में, और एक हमारे पीछे ये, और साथ में हमें देखिए ये जो यहाँ पर ना इन्होंने कुटिया लगातार, अभी हमें 5 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े हुए, मोर की जो चहचहाहट है वो लगातार आ रही है। तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में गजब है। तो अभी हम वंशी मठ में ही हैं, और यहाँ पर प्रभु गाय चराया करते थे, गाय की सेवा किया करते थे, तो अगर थोड़ी सी सेवा हमसे भी हो सके तो वो करनी चाहिए। आप भी कहीं पर भी वृंदावन में जहाँ, जैसे अभी हम वंशीवट में आए हैं, तो कहीं पर भी आपको गौ सेवा करने का मौका मिले तो इसको आप चूकना नहीं चाहिए। ये भी एक किस्म का हम कह सकते हैं कि जो सर्वप्रथम पुण्य है सनातनता में, कि गौ सेवा सर्वप्रथम सेवा मानी जाती है। कई गाय बीमार हो जाती है तो उसकी कैसे व्यवस्था फिर इधर? उसकी हमारी प्राइवेट डॉक्टर उनसे करवाते हैं, उनसे हमारी पानी वगैरह की अभी की व्यवस्था है। यहाँ पर कितनी गाय है अभी इस समय? कछु पौने 200 गाय प्रभु, 200 में कछु कम है, 2-4। अच्छा, नंदी ज्यादा। तो ये दूध भी देती हैं? नहीं नहीं, बेसारा गाय प्रभु। अच्छा, ये बेसारा सेवा है बस इनकी, बस रोडन पे घूमने वाली हैं। अच्छा, क्या बात है, फिर तो और भी बढ़िया। के बाद अभी हम जा रहे हैं भंडीर वन में, जहाँ पर राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। इस जगह का नाम है भंडीर वन, जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। पूरे ब्रज में आप दर्शन करोगे तो कहीं बंसी मिलेगी ठाकुर जी के हाथ में, और कहीं लड्डू मिलेगा। आज आप सामने दर्शन कर रहे हो तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में अकेला एक ही मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। राधा रानी बड़ी थी और कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था, तब ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। बड़ी थी मतलब उम्र में बड़ी थी राधा रानी। ठीक है, दूसरी कथा है, सामने कुआ है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था बक्षा, कृष्ण जी ने। हाँ, बक्षासुर नाम का राक्षस था जी। उसका वध करके गौ हत्या का दोष मिटाया है। तो ये है भाई त्रिवेणी कूप। इस कूप के जल में सभी तीर्थ विराजमान है, और ये आचमन स्नान के लिए ही बेहतर माना जाता है। आचमन स्नान मतलब इसको सिर्फ पी सकते हैं आप। यहाँ दुर्वासा ऋषि को अष्ट सखियाँ भोजन खिलाने आई हैं। जी जी, पीछे कन्हैया बैठा हुआ है वो एंड में, अंत में, अंत में जी। तो कन्हैया से बोली हमें दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाने जाना है, कि जाओ कैसे जाएं? जी, कि जाएं कैसे, बीच में यमुना जी है, कह देना कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना मैया रास्ता दे दो। अष्ट सखियों ने ऐसे ही बोल दिया तो यमुना मैया ने रास्ता दे दी। बाबा के पास आ गई, दुर्वासा के पास। हाँ, तरह तरह के व्यंजन कर लिए। शाम हो गई, बोले बाबा हमें अपने घर जाना है। जी। के जाओ के कैसे जाएं, यमुना जी तो बीच में है। जी। के कह देना दुर्वासा ऋषि ने सिवाय दूब घास के कुछ नहीं खाया तो यमुना मैया रास्ता दे दो। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। सारी सखियां इकट्ठी होके कह रही हैं, दो ठग बीच बसे एक ठगनी। कन्हैया कन्हैया इतनी गोपियों के साथ रहता है फिर भी कह रहा है बाल ब्रह्मचारी हूँ। और दुर्वासा ऋषि ने इतना सब कुछ पा लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने सिवाय दूब घास के कुछ नहीं खाया तो यमुना मैया रास्ता दे दो। क्यों? कि स्वाद उन्हें दूब घास का ही आया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो अभी वंशीवट के भी दर्शन कर लिए हमने, भंडीर वन के भी दर्शन कर लिए, अभी समय होने लगा है 11:30 के करीब। तो अभी हम वापस वृंदावन चलते हैं, अपने जो फोगला आश्रम में रूम लिया था, और साथ में हम फोगला आश्रम की किचन में दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं। तो अभी हम फोगला आश्रम के भोजनालय में हैं, यहाँ पर थाली हमारी आ चुकी है, 70 रुपये इसका प्राइस है, और इसमें हमें दाल मिली है, आलू मटर की सब्जी है, एक सूखी सब्जी आलू गोभी की, पापड़ है, राइस हैं, चपाती हैं, और सलाद है, और साथ में चटनी मिली है। सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पर मेरे को लगी है इस भोजनालय की, कि आपको देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, बिल्कुल नीचे बैठाकर एक सात्विक तरीके से खिलाया जाता है, और
यहाँ पर जो जितनी भी थालियाँ जी अनलिमिटेड है, आप कोई भी आइटम, कोई भी जो सब्जी है वो रिफिल करवा सकते हैं। अभी पहले मैं सभी सब्जियों के साथ खा के देखता हूँ, उसके बाद आपको इसका बताता हूँ। तीनों सब्जियों के साथ मैंने खा ली है। जिस तरह से इनका सीटिंग अरेंजमेंट है सात्विक, उसी तरह से भोजन का भी टेस्ट है। बिल्कुल जो मसाले हैं बिल्कुल कम लेवल पे हैं। अगर सीधे शब्दों में बात करूं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप घर बैठकर खाना खा रहे हैं। जो रोटी भी बन रही है लकड़ी की आंच पे बनाई जा रही है, बहुत ही बढ़िया लगा हमें यहाँ पर खाना खाकर भी और यहाँ पर रहकर भी। और इसी तरह से अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट यहाँ पर करना है तो वो भी 8 बजे से मिलना शुरू हो जाता है। उसमें आपको एक परोठा होगा, दाल सब्जी, ये सब्जी डाल दो बस। सुबह आपको नाश्ते में परोठा और दही दिया जाता है। 15 रुपए का परोठा होता है और 10 रुपए का दही होता है। शाम का जो डिनर है वो 7:30 से लेकर 10 बजे तक, दोपहर का भोजन 12 से लेकर 3 बजे तक। और एक विशेष सूचना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ फोगला आश्रम में किसी भी तरह की ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाती और ना ही कोई एडवांस लिया जाता है। आपको यहाँ पर आकर ही बुकिंग करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर बुकिंग नहीं होती तो ये पूरा जो रोड है, ये रमन रेती रोड, रमन रेती कॉलोनी है, ये गोकुल वाला रमन रेती रोड नहीं है, यहाँ की रमन रेती कॉलोनी है। इसके आसपास भी आपको बहुत से आश्रम या धर्मशालाएं मिल जाएंगी। और बुकिंग की जो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि रूम यहाँ पर खाली हैं कि नहीं। अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे को आते हैं तो बड़े हायर चांसेस है कि आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलेंगे। और कमरों का जो यहाँ पर रेट है पर नाइट का वो 500 रुपये है। इसके साथ ही श्री जी आश्रम है, यहाँ पर भी आपको कमरे मिल जाएंगे और उसका जो प्राइस है वन नाइट का वो 700 रुपये है। और जो हित प्रेमानंद जी महाराज जी हैं उनका जो यहाँ से केली कुंज है उसकी दूरी भी मात्र 700 मीटर है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो फोगला आश्रम के बिल्कुल सामने ही बहुत बड़ा बजरंग बली जी का मंदिर है, टेकरी वाला हनुमान जी। अगर आप अपने निजी वाहन गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत ही खुली व्यवस्था है। तो फोगला आश्रम का ये भोजन खाकर हमें बहुत संतुष्टि हुई। अब इसके बाद वृंदावन के सभी मंदिर बंद हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मैं आपको यहाँ पर वृंदावन में रहने वाले अगर और भी ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शंस हैं। एक तो आप जो परिक्रमा मार्ग हैं वहाँ पर आप होटल ले सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सी धर्मशालाएँ मिल जाएंगी। दूसरा जो हमने बताया कि प्रेम मंदिर के आप 1 किलोमीटर पीछे आइए, जब आप वृंदावन एंटर करते हैं तो प्रेम मंदिर पहुंचने से 1 किलोमीटर पीछे भी आपको बहुत सी होटलों की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको और ऑप्शन जो दिखाने लगा हूँ वृंदावन में, हम प्रेम मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं जहाँ पर आश्रम कॉलोनी है। बेसिकली ये एक सोसाइटी है लेकिन यहाँ अंदर ही 8-9 आश्रम बने हुए हैं, यहाँ पर आपको रहने की सुविधा मिल जाती है। मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं एक घर की तरह है ये, काफ़ी साफ़ सफाई है पूरी सोसाइटी में, ग्रीनरी है, पार्किंग की सुविधा भी आपको आश्रम के अंदर ही मिल जाती है। यहाँ पे ये गुरुधाम में 800 रुपये का AC रूम मिलेगा 2 आदमी के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा बेड का 200 रुपये है, 4 बेड का 1500 रुपये है, ठीक है। और 100 रुपये गाड़ी पार्किंग है अगर बाहर आप रोड पे खड़ी करते हैं। सोसाइटी में हम देख रहे थे कि रास्ते में और भी 3-4 ऐसे आश्रम, एक हमारे साथ में है राधा माधव, उसका 900 रुपये का AC रूम है, ठीक है। और एक हमारे सामने है अग्रसेन भवन विवेक बिहार वालों का, दिल्ली वालों का, उसमें 800 रुपये का रूम है। एक उसके सामने है भगवान दास आश्रम, उसमें 1200 रुपये का रूम है डबल बेड का। आप फोन पे भी बुकिंग करा सकते हैं, डेट लिखवा के आप कमरे बुक करा सकते हैं, 1500 रुपये एडवांस का आप उसके फ़ोन नंबर लेके उसमें UPI करा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वृंदावन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पागल बाबा मंदिर, तो वहाँ पर जाके उसके इतिहास के बारे में और लीला के बारे में जानते हैं। अभी हम मथुरा वृंदावन रोड पे हैं, यहाँ पर मंदिर है पागल बाबा मंदिर। पूरे वृंदावन में ये एकमात्र मंदिर है जो कि 7 मंजिला है और इस मंदिर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आप देखकर एक बार इसको दंग रह जाएंगे। तो चलिए अंदर चलकर पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद पागल बाबा जी का जीवन परिचय जानते हैं। ये मंदिर पूरे का पूरा संगमरमर का बना हुआ है और इसकी हर मंजिल पर एक मंदिर बनाया गया है। बाबा यहाँ 1969 में आए थे, 1969 में इस जगह पर, इस जगह पर जी। तो गेट से जैसे आप घुसे होंगे जी तो बाबा ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था, झोपड़ी बना ली थी वहाँ। तो बाबा ने ये संकल्प लिया
कि मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जो ताजमहल से भी सुंदर होगा। तो बाबा ने ये संकल्प लेके इसका नक्शा भी बना लिया और उसको पृथ्वी पर जमीन पर बनाते रहते थे। अच्छा, तो लोग पूछते थे बाबा ये काय का नक्शा बनाते हैं आप, तो बाबा कहते थे मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा। तो लोग कहते थे पागल हो गया, झोंपड़ी में तो रहता है, जंगल था ना उस समय। जी जी, तो जंगल में पड़ा हुआ है, झोंपड़ी में रहता है और इतने बड़े सपने देख रहा है। लेकिन जब मंदिर बन गया तो मंदिर का नामकरण भी पागल बाबा मंदिर हो गया। जी। बाबा ने अखंड कीर्तन शुरू करा दिया। अच्छा। जो 50 साल से बराबर हो रहा है, तो अभी भी चल रहा है पीछे हमारे अखंड कीर्तन। हाँ, ये मेरे पीछे आप सुन भी रहे होंगे आवाज अखंड कीर्तन की, हरे रामा हरे कृष्णा की। और उसके बाद जो है सबसे प्रमुख मंदिर है बाबा का समाधि मंदिर, यहाँ पर समाधि ली। हाँ, जहाँ बाबा ने समाधि ली थी। तो अभी पागल बाबा मंदिर दर्शन करने के बाद समय यहाँ पर हो चुका है 5 बजे, और इसके बाद हम आपको वृंदावन के जो शाम के समय प्रमुख मंदिर है वो दिखाएंगे। और सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर। दोनों मंदिरों की जो दूरी है वो लगभग 300 मीटर ही है। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसे वृंदावन में अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको विदेशी भक्त ज्यादा संख्या में दिखेंगे। यहाँ हर समय कृष्ण भजन में मगन भक्त नाचते रहते हैं। सुबह और दोपहर इस्कॉन में निशुल्क भोजन प्रसाद भी आपको मिलेगा। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में ही आपको स्नैक्स काउंटर भी मिलेगा, जिसमें आपको खाने की वैरायटीज मिल जाती है। मंदिर की जो स्थापना है वो श्रीमद प्रभुपाद जी ने की थी, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही मनमोहक रूप में राधा कृष्ण जी के विग्रह के दर्शन होंगे। कई भक्त जो अपनी वृंदावन की परिक्रमा की शुरुआत करते हैं वो इस्कॉन मंदिर से साथ वाली गली से शुरू करते हैं, और फिर पूरा चक्कर लगाकर वृंदावन परिक्रमा का यहाँ पर ही आकर ख़त्म करते हैं। यूं तो वृंदावन आने वाले श्रद्धालु प्रेम मंदिर में शाम के समय लाइटनिंग देखने के लिए आते हैं, वो भी दिखाएंगे, लेकिन साथ में आज हम बात करेंगे इतिहास की और यहाँ पर आकर देखना क्या क्या है। 55 एकड़ में फैले इस मंदिर का भवन निर्माण 2 मंजिला है। तो आपको जो दर्शन करने हैं, पहली मंजिल पर श्री राधा कृष्ण जी का विग्रह है और श्री सीताराम जी का विग्रह दूसरी मंजिल पर है। मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जी की जीवन की 4 मुख्य लीलाओं का वर्णन किया गया है, झूलन लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला, कालिया नाग लीला। रोज शाम को यहां पर लाइट एंड साउंड शो होता है। सर्दियों में 6:30 बजे हो जाता है और गर्मियों में 7 बजे होता है। और उसके बाद बात करते हैं जिसके लिए विशेषकर रात के समय यहाँ पर भक्त आते हैं, क्योंकि रात को इस मंदिर की लाइट देखने योग्य होती है। आप देख सकते हैं मेरे सामने, हर 5-7 सेकंड में इसकी लाइट चेंज हो रही है, और यही यहाँ का मुख्य आकर्षण है। एक खास टिप प्रेम मंदिर में आने के लिए, लाइटनिंग देखने के लिए प्रेम मंदिर में लोग आते हैं, तो आप ये प्रयत्न करें कि प्रेम मंदिर शाम होने से आधा पौना घंटा पहले अंदर प्रवेश कर जाएं। इससे एक तो आप पूरे का पूरा मंदिर भी आराम से घूम सकते हैं, और दूसरा आप क्राउड से भी बचेंगे, क्योंकि अगर आप लाइटनिंग शुरू होने के बाद प्रेम मंदिर अंदर जाते हैं तो आपको जो एंट्री गेट है वहीं से आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा एंटर करने में। और तीसरी मुख्य बात प्रेम मंदिर में आने के लिए, प्रयत्न करें कि अपनी पार्किंग गाड़ी की 1 किलोमीटर पीछे कहीं और लगा दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक जाम में गाड़ी निकालने के समय 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। हालांकि प्रेम मंदिर के सामने ही पार्किंग है, लेकिन जब आप पार्किंग के लिए गाड़ी निकालेंगे तो आपको 1.5 घंटा पार करने में ही लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर माँ वैष्णो धाम मंदिर है, जो कि श्रद्धालुओं के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। जब आप वृंदावन एंटर करते हो तो तभी ये शटिकारा रोड पर आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। माँ का ये धाम अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, इसकी दिव्यता देखते ही बनती है, और दूर से ही आपको माँ शेर पर सवार नजर आती है, और साथ में बजरंग बली माँ के चरणों में है। यह तस्वीर इस मंदिर की पहचान है। तो ये था वृंदावन पार्ट 2, और इस तरह से वृंदावन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वृंदावन के सभी मुख्य तीर्थ स्थल कवर कर लिए हैं। मथुरा वृंदावन धाम सीरीज का अगला एपिसोड होगा गोवर्धन की परिक्रमा।